हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल आपकी गुरुमा एंड आई वेलकम यू ऑल इस अमेजिंग अमेजिंग पॉडकास्ट सेशन में जहां पर हम बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर न जो ना जाने की स्टूडेंट्स को बड़ा डर आता है स्टूडेंट्स को बड़ा डर लगता है इस चैप्टर से आइए स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट में से ऐसा रिवाइज करें कि दिमाग में सेट हो जाए ब्रेन में सेट हो जाए बायो मोलिक्यूल्स का आइए पहले मतलब समझते हैं बायो मतलब लिविंग यानी लिविंग बॉडी में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स एक्चुअली लिविंग बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक भी मिलते हैं इनऑर्गेनिक भी बायोमोलिक्यूल पर्टिकुलरली कहते हैं ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन द लिविंग बॉडी उसे बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे जैसे बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो वॉटर एच में कार्बन नहीं है तो वाटर को बायोमोलिक्यूल नहीं मानते हालांकि लिविंग बॉडी के अंदर मैक्सिमम वाटर होता है सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स टेन टू 15% फिर न्यूक्लिक एसिड 5 परसेंट कार्बोहाइड्रेट थ्री परसेंट लिपिड्स टू परसेंट और इनऑर्गेनिक हो गए वन परसेंट तो ये सारे हैं वाटर के अलावा और आयन इनऑर्गेनिक के अलावा अब हम बायोमोलिक्यूल को कैसे स्टडी कर सकते हैं देखिए एनसीआरटी कहती है कि सबसे पहले तो अर्थ के क्रस्ट पे जो मॉलिक्यूल्स है वही हमारे बॉडी के अंदर भी हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब कुछ लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर ज्यादा है बजाय अर्थ क्रस्ट के जबकि सोडियम सिलिकन मैग्नीशियम ये सब कुछ अर्थ के क्रस्ट में ज्यादा है ये एनसीआरटी की टेबल में भी मैंशनड है नाउ सबसे पहले हम या तो एक वेजिटेबल ले लें यानी प्लांट ऑर्गन हो गया या लिवर का कोई पार्ट ले लें यानी एनिमल ऑर्गन हो गया इसे अगर हमने क्रश किया क्रश करके और हमने इसे घोला ट्राईक्लोरोसिटिक एसिड आसिट के अंदर मोटार एंड पेसल से कूट के ट्राईक्लोरोसिटिक एसिड आसिट से में घोला डिजॉल्व किया तो एक घोल बन गया स्लरी अब हमने इसे कॉटन या चीज क्लॉथ से छाना स्ट्रेन किया तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो तो फिल्टर हो जाएंगे उसे फिल्टरेट कहेंगे जो एसिड में घुल गए हैं एसिड सॉल्यूबल या फिल्टरेट ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे जो भी मोनोमर यूनिट है जैसे अमीनो एसिड ग्लीसरॉल फैटी एसिड मोनोसेकर जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज नाइट्रोजन बेसिस वो इसमें आ जाएंगे लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर नहीं होंगे रिटेन रहेंगे ऊपर रिटर्न टेट क्योंकि वो एसिड में इनसॉल्यूबल है उन्हें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जैसे बड़ी बड़ी यूनिट्स प्रोटीन्स बन गए न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए हो गया पॉलीसेकेराइड हो गए एंड लिपिड्स हो गए तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे

तो वो वेसिकल्स टुकड़े-टुकड़े के रूप में रहते हैं जब हम क्रश करते हैं किसी भी ऑर्गन को जो टिश्यू सेल का बना है इसीलिए वो एसिड में घुलते नहीं है तो मॉलिक्यूलर वेट उनका 18 से 800 डाल्टन के बीच में है यानी लेस देन 800 डाल्टन बट एसिड इनसॉल्युबल है प्लेस किए जाते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स के अंदर इतना क्लियर हुआ अब इनऑर्गैनिक में क्या देखा साइंटिस्ट ने इसमें आयंस भी हैं जैसे सोडियम आयन पोटेशियम आयन मैग्नीशियम आयन कैल्शियम आयन हमारी बॉडी में मिलते हैं प्लस इसमें सल्फेट फॉस्फेट जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है टोटल मिला के करीब वन परसेंट होता है इन्हें हम कैसे स्टडी कर सकते हैं ऐश एनालिसिस से सबसे पहले हमने जो भी ऑर्गन लिया सपोज हमने पत्ती ली लिवर लिया ये टोटल फ्रेश वेट है हम इसे ड्राई कर देंगे धूप में सुखा देंगे तो वो जो सेवेंटी टू नाइन्टी पानी है वो उड़ जाएगा भाप बन यानी ड्राई कर देंगे वाटर हो जाएगा। अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी निकल जाएगा अब जो भी बचा एश राख वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और होगी तो ये हमने मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल इन सब की बात कर ली अब आइए हम समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में लगातार मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं कुछ बन रहा है एनाबॉलिज्म कुछ टूट रहा है कैटाबॉलिज्म तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं दो तरह के हैं एक प्राइमरी जो हर सेल में मिलेंगे जिनका नोन फंक्शन है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामस इनकी यूनिट्स जैसे फैटी एसिड ग्लीसरॉल अमीनो एसिड मोनोसेक्राइड इन सब के नोन फंक्शन हैं ये सब सेल में मिलते हैं यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट है पर कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो ऑल सेल्स में नहीं निकलते हैं सम कुछ पेड़ों में कुछ माइक्रोब्स कुछ फंगस इन्हें प्रोड्यूस करते हैं इनका फंक्शन भी नोन नहीं है बट इनमें से कुछ इंसान के काम आ रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं इसके इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एक टेबल एनसीआरटी में दिए आइए मैं ट्रिक से याद कराती हूँ दीपिका पादुकोण दीपिका मतलब ड्रग्स दीपिका ड्रग्स मतलब ये हमारी ट्रिक के लिए हम याद कर रहे हैं तो दीपिका यानी ड्रग्स ड्रग्स यानी दवाइयां इसमें आ जाएगी विन ब्लास्टिन एंड करक्यूमेन करक्यूमिन मतलब हल्दी और विन ब्लास्टिन एंटी कैंसर होती है ना दीपिका पादुकोण पादुकोण मतलब पिगमेंट्स पिगमेंट्स आ जाएंगे इसमें जैसे कैरोटिनॉइड जैंथोफिल्स ये सारे पिगमेंट्स आ जाएंगे ठीक है अब इसके बाद दीपिका पादुकोण लेट एल एल से हो गया लेकिन यानी कौनकाना विलिन ए फिर ए से हो जाएगा अल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन कॉर्डिन टी से हो जाएगा टॉक्सिन जैसे एब्रिन रिसिन एंड टर्पिनॉइड जैसे मोनोटर्पिन डायटर्पिन और ई e से हो जाएगा असेंशियल ऑयल जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल तो दीपिका ड्रग्स पादुकोण पिगमेंट्स लेट लेकिन देन अल्कलॉइड्स देन टॉक्सिन टर्पिनॉइड्स टर्पिन एंड ई से असेंशियल ऑयल दीपिका पादुकोण कहाँ के लिए लेट है प्रीमियर के लिए यानी पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज जैसे रबर गम्स एंड सेल्यूलोज ये सारी टेबल मैंने आपको याद करा दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की इनपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तो हम सबसे पहले उठाते हैं मोनोमेरिक यूनिट अमीनो एसिड को अमीनो एसिड नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें कॉमन कार्बन है जिसे अल्फा कार्बन बोलते हैं एक तरफ अमीनो ग्रुप है एन और एक तरफ एसिडिक ग्रुप है सीओ और एक एच है और एक आर ग्रुप है यानी ये मिथेन था सी एच फोर जिसपे हमने सब्सटीट्यूशन कर दिए एक तरफ अमीनो ग्रुप एक तरफ एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एक तरफ एच और एक तरफ कोई भी आर ग्रुप एन एच टू सीओ एच एच और वो बीच में अल्फा कार्बन हर अमीनो एसिड में कॉमन है पर आर ग्रुप डिफरेंट है और आर ग्रुप डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जिनमें से ट्वेंटी टाइप के अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसीलिए ने अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं और उस कॉमन कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं अब अमीनो एसिड जो है स्टूडेंट्स अगर वो जो आर ग्रुप है सिंपलेस्ट क्या हो सकता है कि उस आर की जगह पे एच आ जाए इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आ गया यानी बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा जैसे लाइसिन होते हैं और अगर उस आर ग्रुप में एक्स्ट्रा सीओ एच आ गया यानी एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामेड और एस्पाइन एस्पार्टेट होते हैं अगर उस आर में सल्फर आ गया तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन और मीथियोनिन टिप्स पर होने चाहिए और अगर उस आर में कोई रिंग स्ट्रक्चर है एरोमैटिक अमीनो एसिड इसमें तीन होते हैं टायर यानी टायरोसिन ट्रिप कर गया यानी ट्रिप्टोफैन और फिनाइल पीने से ऐसा हुआ तो फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एरोमैटिक अमीनो एसिड्स है तो यहां हमने समझा कि अमीनो एसिड जो उसमें अमीनो ग्रुप है एसिडिक ग्रुप है आर के कारण अलग अलग है सारी केमिकल वगैरह प्रॉपर्टीज इन्हीं तीन के कारण से होती हैं। अब

NH2 की जगह NH3 पॉजिटिव मिले और COH नॉर्मल मिले या yeah, CO नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज मिले तो अलग अलग सॉल्यूशंस जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच के हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा अमीनो एसिड में आयोनाइजेबल नेचर के कारण से ये जो बीच वाला है थर्ड नंबर जो मैंने बताया जहां पे CO नेगेटिव है और NH3 पॉजिटिव है ज्विटर आयन डायपोलर आयन भी कहते हैं अब अमीनो एसिड में एक चीज और हमें समझनी है असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स असेंशियल अमीनो एसिड मतलब वो अमीनो एसिड जो बॉडी नहीं बना पाती है दे हैव टू बी टेकन इन डाइट वरना उनकी कमी हो जाएगी जरूरी है डाइट में लेना असेंशियल अमीनो एसिड इसके लिए हमारी ट्रिक है ट्राई वी आई पी मॉल ट्राई मतलब ट्रिप्टोफैन वी आई पी यानी वैलिन आइजोल्यूसिन एंड फिन ट्राई वी आई पी मॉल मॉल मतलब मिथियोनिन आर्जिनाइन लाइसिन और ल्यूसिन ये सारे के सारे होते हैं ट्राई दिस वी आई पी मॉल दिस दिस मतलब टी से टाइम भी है और दिस में एच आई एस से हिस्टेडीन भी है मैं दोबारा बोलती हूँ, ट्राई try मतलब ट्रिप्टोफेन देन दिस टी मतलब थ्रियोनिन हिज His, मतलब हिस्टडीन तो ट्राई दिस वी आई पी वैलिन आइजोल्यूसिन फिनाइल एलिन मॉल मतलब नीथियोनिन आर्जिन लाइसिन और ल्यूसिन ये सारे के सारे टेन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं अब आइए स्टूडेंट्स हम पहले बात कर लेते हैं ये अमीनो एसिड्स जुड़ के जब प्रोटीन्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखो अमीनो एसिड में सीओ एक तरफ एन एच टू है पहला अमीनो एसिड इमेजिन करिए एन एच टू और आखिरी में उसके सी एच है और अगले अमीनो एसिड में फिर एन एच टू और एच है तो फर्स्ट अमीनो एसिड का एच

अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलते हैं प्रोटीन के अंदर आप कितनी भी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना दो फर्स्ट अमीनो एसिड का NH2 टू ग्रुप फ्री है और लास्ट अमीनो एसिड का COH ग्रुप फ्री है यानी फर्स्ट अमीनो एसिड वाले को एन टर्मिनस बोलते हैं लास्ट वाले को सी टर्मिनस बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बन रहा है वाटर के रिमूवल से बन रहा है अब ये तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बता सकते हैं पोजिशनल इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कौन सा अमीनो एसिड है इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बोलते हैं लेकिन इस फॉर्म में प्रोटीन स्टेबल नहीं रह पाता तो फटाफट उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बन जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही पॉलीपेप्टाइड चेन तो है ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गए इससे या तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनेगा या बीटा प्लीटेड बनता है ये सेकेंडरी प्रोटीन हो गए पर काफी सारे प्रोटीन इस फॉर्म में भी स्टेबल नहीं रहेंगे तो वो फटाफट से और तरह तरह के बनेंगे उनमें और 3D structure बन जाएगा होलो, बॉल और वूल की तरह ये बहुत important है biological properties के लिए enzymes इसी stage में रहते हैं हैं इसे प्रोटीन कहते है। और कभी कभी दो या दो से ज्यादा थ्री डी आपस में डायसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाए तो बना लेती है क्वार्टनरी प्रोटीन जिसमें इंसुलिन और हीमोग्लोबिन हमें आना चाहिए इंसुलिन में एक अल्फा या ए चेन है एक बीटा या बी चेन है ट्वेंटी वन अमीनो एसिड्स अल्फा चेन में इक्कीस रुपए का शगुन और बीटा चेन में थर्टी अमीनो एसिड्स हैं टोटल फिफ्टी वन अमीनो हैं और दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं जबकि हीमोग्लोबिन में टू अल्फा और टू बीटा चेन है और सब आपस में

बहुत सारे हॉर्मोन्स जैसे इंसुलिन ग्लूकेगॉन प्रोटीन्स होते हैं इनफैक्ट हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पैनक्रियाज ये सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं इसके अलावा बहुत सारे रिसेप्टर्स जो सेंसरी ऑर्गन है उनके रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं इसके अलावा एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स हैं जो डिफेंस फाइटिंग करेंगी इम्यूनिटी देंगी इसके बाद बहुत सारे ग्लुटफोर uh, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं या पम्प्स बनाते हैं वो सब प्रोटीन्स होते हैं तो ये कुछ प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं इवन इन्जाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन पेप्सिन ये सब प्रोटीन्स हैं तो एंजाइम्स हॉर्मोन्स रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस ये सब प्रोटीन के फंक्शंस हो गए प्रोटीन कभी कभी लिपिड से जुड़ सकता है लाइको प्रोटीन जैसे काइलोमाइक्रॉन्स पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन जो है वो शुगर के साथ जुड़ सकता है ग्लाइको प्रोटीन तो ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको लिपिड ये सब हम ग्लाइको कैलिक्स में पढ़ते हैं याद आ रहा है चलो तो ये हो गई प्रोटीन की बात अब आइए हम आ जाते हैं फैट्स पे तो फैट्स की मोनोमेरिक यूनिट कैसे बनती है एक टाइप का फैट है ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन दूसरा है फैटी एसिड फैटी एसिड का मतलब है आर सी एच आर क्या है आर एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें या तो वन कार्बन है मिनिमम यानी सी एच थ्री सी बन जाएगा या नाइनटीन कार्बन तक आर में हो सकते हैं अगर इसमें नाइनटीन कार्बन हुए तो एक और सी एच भी जुड़ा यानी टोटल ट्वेंटी कार्बन तो फैटी एसिड में आर के अंदर वन से लेके नाइनटीन कार्बन हो सकते हैं यानी टोटल फैटी एसिड में टू से ट्वेंटी कार्बन हो सकते हैं सी एच थ्री सी एच सब सिंपल हो गया सी एच थ्री फिर उन अठारह बार सी एच टू सी एच टू सी एच टू यानी उन्नीस हो गए एंड सी एच ये फैटी एसिड होता है अब फैटी एसिड दो तरह के होते हैं अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड पर अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में सिंगल डबल बॉन्ड है तो मोनो अनसैचुरेटेड एक से ज्यादा है तो पॉली अनसेचुरेटेड नाउ सैचुरेटेड के दो एग्जाम्पल्स हैं पाम लिया और स्टीयरिंग पे हाथ लगाया तो पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड मोनो अनसेचुरेटेड के हैं ओलिक एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड के हैं लिनोलिक लिनोलिनिक एंड अरेकेडोनिक ये जो पॉली अनसेचुरेटेड वाले हैं ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं बॉडी नहीं बनाती डाइट में लेना जरूरी है नाउ सैचुरेटेड में पामिटिक सबसे पहले पड़ा उसमें 16 टोटल 16 कार्बन है तो सी फिर सी एच बार सी एच बार ये पंद्रह हो गए एंड सी ऐसे करके टोटल 16 कार्बन है सो so, पामेटिक में 16 कार्बन है रैकेडोनिक आखिरी वाले में 20 कार्बन है बाकी सब में 18 कार्बन होते हैं ठीक है अब जो सैचुरेटेड है नेचुरली उसे मेल्ट करना मुश्किल है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की तरह रहेंगे जितने भी एनिमल फैट है ना माय डियर स्टूडेंट्स घी बटर जो भी एनिमल फैट होता है वो सारे के सारे में सैचुरेटेड ज्यादा होते हैं फैटी एसिड्स और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड है इन्हें हीट करना ईजी है मेल्टिंग पॉइंट लो होगा ये रूम टेम्परेचर पर तेल ऑयल की तरह मिलते हैं ये बेटर होते हैं हेल्थ के लिए भी तो जितने भी पेड़ वाले फैट्स हैं यानी ऑयल्स वो सब में अनसैचुरटेड फैटी एसिड ज्यादा मिलते ठीक है थीके? अब लिपिड कैसे बनता है लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड वन वन ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ेगा तो मोनोग्लीसराइड दो जुड़ेंगे डायग्लीसराइड तीन जुड़ेंगे ट्राइग्लिसराइड हर बार एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा ग्लिसरॉल का ओएच OH और एसिड फैटी एसिड का एसिड ओएच OH और सीओएच एल्कोहल और एसिड एच टू ओ निकलेगा रिमूव होगा डिहाइड्रेशन, ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा डबल बन जाएगा। ऐसे करके ट्राइग्लिसराइड में तीन ईस्टर बॉन्ड से ये जुड़ जाते हैं यानी वन ट्राइग्लीसराइड इक्वल टू वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री पैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनेंगे और तीन वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे डन अब अगर इसी ट्राइग्लिसराइड में एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर दें किसी ऐसे ऑर्गेनिक ग्रुप से जिसमें फॉस्फेट है तो ये फॉस्फोलिपिड बन जाएगा जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट कॉमनली लेसिथिन फॉस्फोलिपिड हमें देखने को मिलता है तो ये हमने बात कर दी लिपिड की हमने फैटी एसिड की बात की ग्लिसरॉल की बात की ट्राइग्लिसराइड की बात की असेंशियल फैटी एसिड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब पढ़ लिया तो लिपिड में ईस्टर बॉन्ड मिलता है प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड और दोनों ही बॉन्ड्स वाटर के रिमूवल से बनते हैं अब आ जाते हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स पर न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले नाइट्रोजन बेस मिलेगी मोनोमेरिक यूनिट में नाइट्रोजन बेस दो तरह की होती है सिंगल रिंग और डबल रिंग सिंगल रिंग वाली प्यूरीन है सॉरी पिरामिडीन है और डबल रिंग वाली प्यूरीन है प्यूरीन में एजी एडेनाइन गुआनिन जो डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगी और डब, आ, सिंगल रिंग में पिरामिडीन में साइटोसिन दोनों में मिलेगी यूरेसिल सिर्फ आरएनए में और सिर्फ डीएनए में यानी डीएनए में एडेनाइन ग्वेनाइन साइटोसिन था मिलेगी और आरएनए में एडेनाइन ग्वेनाइन साइटोसिन एंड यूरेसिल मिलेगी तो दोनों में ही फोर फोर टाइप की नाइट्रोजन बेस मिलेगी अब शुगर पर आ जाते हैं तो डीएनए आर में शुगर जो मिलती है आर में राइबोज शुगर है और अगर उसके सेकेंड कार्बन से ओ हटा दिया जाए तो डीएनए में डी शुगर है अब डीएनए आर ए कुछ भी बनाना हो पहले शुगर के साथ बेस जुड़ता है शुगर बीच में है तो शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बेस जुड़ता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है और शुगर के आखिरी यानी फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है ईस्टर बॉन्ड से तो शुगर सेंटर में फर्स्ट कार्बन से बेस जुड़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फिफ्थ लास्ट कार्बन से फॉस्फेट एच थ्री पीओ फोर जुड़ा ईस्टर बॉन्ड ये बन न्यूक्लियोटाइड बन गई शुगर प्लस बेस से न्यूक्लियोसाइड बनती है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाती है आइए नामकरण करते हैं सबसे पहले एडिनाइन वाली अगर है तो एडीनोसिन साइड है और उसमें जुड़ गया फिर एसिड आस, तो एडीनिलिक एसिड तो एडिनाइन बेस है एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है और एडिनिक एसिड उसका न्यूक्लियोटाइड है ऐसी ग्वेनाइन ग्वेनोसिन

थ्री फाइव फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड से टू न्यूक्लियोटाइड जुड़ती हैं आपस में यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी यानी डीएनए आर एन ए बनेगा आर एन ए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडर्ड है पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा दो स्ट्रांड जो है बी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था नौ साल बाद 1962 में उन्हें नोबल प्राइज मिला था उन्होंने ये कहा था कि घुमावदार सीढ़ी की तरह है यानी कि इसकी जो रेलिंग बनाता है बैकबोन वो है शुगर फास्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर फास्फेट और अंदर की तरफ स्टेर की तरह बेस के पेयर हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है ए टी के साथ पेयर करेगी टू हाइड्रोजन बॉन्ड से और सी जी के साथ करेगी थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से जितने ए उतने टी जितने जी उतने सी होंगे नाउ पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब अगर मैं फर्स्ट सी पर खड़ी हूं बेस पेयर पे और मैं ठीक ऊपर देखूंगी यानी थ्री सिक्सटी डिग्री का पूरा रोटेशन हो चुका है तो लंबाई जितनी है उसे पिच ऑफ द हेलिक्स बोलते हैं इसमें टेन बेस पेयर आते हैं और ये थर्टी फोर एंगस्ट्रॉम या थ्री पॉइंट फोर नाइनोमीटर होता है यानी डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर हो जाएगा इसका वन टेंथ कर दो यानी थ्री पॉइंट फोर या पॉइंट थ्री फोर डन बाकी डायमीटर हो जाता है टू नैनोमीटर और वन अब दी अदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है बोथ एंटी एक पे फाइव टू थ्री पोलैरिटी है तो दूसरे पे थ्री टू फाइव प्राइम होगी सो so, टू स्ट्रैंड एंटी पैरल स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया डन ये हो गई डीएनए एन आर की बात तो हमने यहां पर अमीनो एसिड जो मोनोमर था माइ माइक्रोमोलिक्यूल और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन जो मैक्रोमोलिक्यूलो से डिस्कस कर लिया इसी तरह नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड पड़ा जो माइक्रो है और डीएनए एन ए आर एन एन पॉली न्यूक्लियोटाइड मैक्रो को भी डिस्कस कर लिया इसी तरह ग्लीसरोल फैटी एसिड जो है ये माइक्रो हैं और इनसे मिलकर मैक्रो एसिड इनसॉल्यूबल लिपिड बने उसे भी डिस्कस कर लिया अब आइए हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो माइ माइक्रो मोलिक्यूल है वो मोनोसैकेराइड यूनिट होगी मोनोसैकेराइड में आ जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज डीऑक्सीराइबोज ये सब अगर ये पांच कार्बन की हैं तो पेंटोज जैसे राइबोज डीऑक्सीराइबोज छह कार्बन के हैं तो हेक्सोज जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज अब मोनो मोनोसैकेराइड जो हैं ये अल्कोहल या कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल के सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के यानी इसमें बहुत सारे ओ OH होंगे और साथ में या तो कीटोन होगा सी डबल बॉन्डो या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा सी एच ओ जैसे ग्लूकोज राइबोज डी एल्डिहाइड राइबोज वाले हैं एल्डोज जबकि की फ्रक्टोज कीटोन वाली शुगर होती है ठीक है अब सारी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है यानी बेनेडिक या फेलिंग सोल्यूशन डालने पर ब्लू से रेड कलर दे देती है नाउ अब आइए हम समझते हैं जब ये आपस में ज्वाइन होंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां दो मोनोसेक्राइड के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है वॉटर यहां भी रिमूव होगा जिसे कहेंगे ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड तो चाहे फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड बने डीएनए आर एन ए बनाते टाइम चाहे पेप्टाइड बॉन्ड बने चाहे ईस्टर बॉन्ड बने लिपिड में चाहे यहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने हर बॉन्ड बनते टाइम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है नाउ यहां पे दो मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो उसे डाई कहेंगे तीन डाइसेक्राइड हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए इनफैक्ट चार बहुत अच्छे से आनी चाहिए नंबर वन माल्टोज देन लैक्टोज, देन सुक्रोज ये तीन बहुत अच्छे से आनी चाहिए तो माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज तीनों में एक 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 ग्लूकोज है लेकिन माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज जो मिल्क शुगर है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और सुक्रोज जो गन्ने की शुगर है टेबल शुगर कमर्शियल शुगर जो चीनी बेची जाती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज तो ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज बना ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज बना ग्लूकोज फ्रक्टोज से बन गया सुक्रोज ये डायसेक्राइड है अगर दो से लेके नौ यूनिट्स तक जुड़ते हैं तो ऑलिगोसेक्राइड बोलते हैं तो मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट है

फिर सेल्यूलोज और काइटिन ये बीटा ग्लूकोज से बनते हैं और इन्यूलिन जो फ्रक्टोज का होता है इनमें से स्टार्च पेड़ों में स्टोरेज मटेरियल है ग्लाइकोजन एनिमल एंड फंजाई का स्टोरेज मटेरियल है और इन्यूलिन कई पेड़ों के रूट्स में इन्युल के रूप में खाना स्टोर होता है नाउ सेल्यूलोज प्लांट का वॉल का मैटर है प्लांट एल्गी का और काइटिन आर्थ्रोपोर्ट का एक्सोस्केलेटन और फंजाई की सेल वॉल बनाता है यानी ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइज है नाउ स्टार्च के अंदर क्या होता है स्टार्च में एक अमाइलोज है और एक ब्रांच अमाइलो पेक्टिन पार्ट है इसके कारण उसमें हेलिक्स बनते हैं ब्रांचिंग होती है हेलिक्स बनते हैं जिसमें आयोडीन होल्ड हो सकती है और इसीलिए स्टार्च टेस्ट ब्लू कलर देता है आयोडीन डालने पर जबकि सेल्यूलोज और काइटिन अनब्रांच होते हैं क्योंकि सेल्यूलोज अनब्रांच है उसमें हेलिसिस नहीं है आयोडीन होल्ड नहीं कर सकता स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आता है ठीक है अब इनमें से कोई भी पॉलीसेक्राइड चेंज जब आप लोगे तो हमेशा एक राइट right एंड है एक लेफ्ट एंड है आर से राइट राइट रिड्यूसिंग है और लेफ्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग हो गया ये क्वेश्चन आता है ठीक है कोई भी हो चाहे अब नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि हेटरो जो हाँ एक काइटिन काइटिन किसका बना है देखो स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज के बने हैं इनमें अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ब्रांचिंग पर वन सिक्स है सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज का बना है अनब्रांच है बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है पर काइटिन में सारी यूनिट एक से है पर एन ए जी नाग यूनिट है यानी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन यूनिट्स होती हैं आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन पीवाई क्यू आया हुआ है और फंजाई की सेल वॉल में काइटन मिलता है हेट्रोपोलीसे के अंदर पेक्टेन हेमी अगर अगर जो जेलेडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से मिलता है म्यूकोपोलीसेक्राइड जैसे हाईल्यूरोनिक एसिड वो सारे इसमें आ जाते हैं हेट्रो वालों में तो ये हमने माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल सारे अंडरस्टैंड कर लिए अब हमें अंडरस्टैंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि लिविंग स्टेट का क्या मतलब है देखिए लिविंग स्टेट का क्या मतलब है जैसे अगर आपके लगातार नंबर सही आते गए पूरे परफेक्ट 360 आउट ऑफ 360 बायो में तो धीरे धीरे आप बायो पढ़ना कम कर दोगे आप केयरलेस हो जाओगे इसी तरह से बॉडी की हमेशा कोशिश है कि कभी इक्विलिब्रियम रीच ना करे क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो हम लिविंग नहीं रह पाएंगे फिर हम काम नहीं कर पाएंगे हम मर जाएंगे यानी बॉडी में स्टेडी नॉन इक्विलिब्रियम लिविंग स्टेट होती है बॉडी की लगातार कोशिश होती है कॉन्स्टेंट एफर्ट होता है नॉट टू फॉल इन टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है लिविंग लिविंग स्टेट और का मतलब ही है लगातार हो रही है, कुछ टूट रहा है कुछ बन रहा है कभी शांति नहीं बैठने दिया जाता बॉडी को लिविंग स्टेट इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म जितना प्रोडक्ट बनता है पर यूनिट टाइम उसे हम बोल देते हैं टर्नओवर नंबर या हम कह देंगे कि इतनी रेट या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है रेट इज ओनली कॉल्डिटी डायरेक्शन एक जनरल रूल ऑफ थम्ब होता है माइडियर स्टूडेंट्स की हर टेन डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट डबल होती है और हर टेन डिग्री सेल्सियस कम करने पर रेट हाफ हो जाती है जिससे थम्ब रूल है ये टेम्परेचर का रूल बोलते हैं अब यहां पर एक बात समझिएगा हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है लिविंग रिएक्शन है वो सब कैटेलाइज है यानी उन सब में एंजाइम्स का रोल होता है एक्चुअली दो तरह की रिएक्शन होती है एक फिजिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन का मतलब है यहां पर स्टेट बदल सकती है जैसे पानी से भाप बन गई या पानी से बर्फ बन गई और या शेप बदल सकता है ये फिजिकल रिएक्शन है पर इसमें बॉन्ड का टूटना बनना नहीं होगा केमिकल रिएक्शन मतलब बॉन्ड फॉर्म होगा या बॉन्ड टूटेगा जैसे सीओ टू वाटर से एच टू सी ओ थ्री बना या एच टू सीओ थ्री ने टूट कर एच टू ओ प्लस सीओ टू बनाया अगर हम एंजाइम ना

चलिए तो अब आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने प्यारे एंजाइम्स की एंजाइम्स जो है इन्हें बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं लिविंग बॉडी में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर इन इनफैक्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन ये हमने जगह जगह पढ़ा है राइबोजाइम ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए प्रो कैरियो में एंड ट्वेंटी एट एस आर आर एन एरियोड्स में ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ते हैं जब प्रोटीन बनता है पेप्टिडल ट्रांसफे एंजाइम की तरह काम करते हैं और आर एन ए है आर आर एन ए जो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है अदरवाइज सारे एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं वो भी प्रोटीन, जिनमें खाली जगह है सर्वाइसिस है पॉकेट है जिसे एक्टिव साइट बोलते हैं जहां पे आके सबस्ट्रेट है तो एंजाइम स्पेसिफिक है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ पर्टिकुलर एंजाइम ही जुड़ेगा और पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा एंजाइम

चलिए तो एंजाइम जो है वो क्या करता है बेसिकली वो क्या करता है स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके लोअर करके कम करके रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाता है इस बात को समझो एंजाइम कभी रिएक्शन को शुरू नहीं करवाता पर उसकी रेट यानी जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पर टाइम उसे इंक्रीज कर सकता है। समझो सपोज सबस्ट्रेट है, उस पे इतनी एनर्जी है अगर उसको चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ज्यादा एनर्जी होगी एनर्जी कंज्यूम होने वाली है चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो एक बार तो सबस्ट्रेट को एनर्जी चाहिए रहती है एक्स्ट्रा एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस एडिशनल एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बिना एंजाइम के मान लीजिए कि हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो विथ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी यानी कम एनर्जी में ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके और एंजाइम रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है इतना क्लियर हुआ हमारे एनसीईआरटी में रिएक्शन का ग्राफ दिया हुआ है जहां की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की फाइनली एनर्जी कम है कोई भी रिएक्शन हो चाहे एक बार ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो टेम्पररी है अनस्टेबल है ट्रांजिएंट है उसके बाद ही प्रोडक्ट बनता है चलो अब आ जाओ थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं एक्चुअली एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे वर्क करते हैं एंजाइम e, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर प्रोडक्ट अलग हो जाता है एंजाइम अलग हो जाता है और की कम चाहिए क्योंकि एक एंजाइम बार 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 रीयूज हो सकता है तो ई प्लस एस से रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनता है फिर उससे ईपी कॉम्प्लेक्स बनता है फिर ई e अलग और पी प्रोडक्ट अलग हो जाता है यानी कैसे काम करता है सबसे पहले एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है ये अच्छे से इसके कारण से जुड़ने के कारण से एंजाइम के स्ट्रक्चर में शेप में चेंज आता है और एंजाइम और अच्छे से टाइटली फिट हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया अब यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकिंग जो भी होनी है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक वो होगा अब ईपी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा अब प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाएगा एंड एंजाइम इज फ्री टू जॉइन टू बाइंड टू अनादर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट ये हमने काम करने का तरीका समझ लिया अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट की एक्टिविटी है इसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट सबसे पहले टेम्परेचर और पीएच की बात करते हैं टेम्परेचर पीएच एक ऑप्टिमम रेंज होती है एक फिक्स टेमपरेचर और पीएच की रेंज होती है अलग अलग एंजाइम के लिए वो अलग अलग होगी जिस पे वो मैक्सिमम बेस्ट काम करता है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनवाता है अगर आपने इस टेम्परेचर पीएच को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया ऑप्टिमम रेंज से तो रेट ऑफ द रिएक्शन फॉल करेगी यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा जहां पे सेंटर में ऑप्टिमम में मैक्सिमम एक्टिविटी है पर डिक्रीज या इंक्रीज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन फॉल डाउन हो जाएगी जैसे अगर स्टमक वाले गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स हैं तो एसिडिक पीएच पे काम करेंगे पर इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम्स हैं तो अल्कलाइन पीएच पे काम करेंगे सलाइवा वाला एंजाइम है सलाइव्रियामाइलेज वो 6.8 पीएच पे काम करेगा तो सबका ऑप्टिमम पीएच एच होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ़ द रिएक्शन इंक्रीज होती जाएगी बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट हाइपरबॉलिक आएगा क्यों क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं बाय द सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट अब और डालने पर फिलहाल रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी सो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन अप टू अ सर्टेन लेवल आफ्टर विच इट बिकम्स कॉन्स्टेंट नाउ एक टर्म आया हुआ है मिशालीस कॉन्स्टेंट मिशालीज कॉन्स्टेंट का मतलब समझो के एम वैल्यू कहते हैं देखो समझो वी मैक्स का आधा यानी वी मैक्स बाय टू अचीव करने के लिए कितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसे के एम वैल्यू कहते हैं अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भाई सिंपल सी बात है अगर एक एंजाइम और सब्सट्रेट की पक्की दोस्ती है बहुत गहरी दोस्ती तो जल्दी से यानी कम सब्सट्रेट से भी ढेर सारा प्रोडक्ट बन जाएगा वी मैक्स अचीव हो जाएगी पर अगर दोस्ती कम गहरी है तो बहुत सब्सट्रेट डालने पर जाकर वी मैक्स अचीव होगा यानी के वैल्यू और एंजाइम सब्सट्रेट की दोस्ती इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जितनी गहरी दोस्ती उतनी कम के वैल्यू जितनी कम दोस्ती उतनी ज्यादा के वैल्यू अब आइए स्टूडेंट्स इनिबिटर्स का इफेक्ट इस पर पढ़ते हैं देखिए कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स होते हैं ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो दिखने में बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा है तो ये भी कॉम्पिटिशन करेगा एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन करेगा दोनों में रेस होगी कि कौन एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा तो नेचुरली सबस्ट्रेट कम जुड़ पाएंगे क्योंकि इनिबिटर भी जा जाके जुड़ रहे हैं तो इसके कारण से माई डियर स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि एंजाइम की दोस्ती कम गहरी हो गई सबस्ट्रेट के साथ क्योंकि एंजाइम इनिबिटर के साथ भी दोस्ती कर रहा है तो यहां पर के.एम. वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड कम कम हो दोस्ती कम गहरी हो गई, गई, दोस्ती गहरी तो ज्यादा लगेगा, तब जाकर VMAX अचीव VMAX तो मैं अचीव कर सकती हूं रिवर्सिबल है पर एक बार केम वैल्यू इंक्रीज होगी दोस्ती कम होगी इनिबिटर के कारण इसके एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन आता है सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट जब फ्यूमर सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगता है तो फ्यूमरेट तो प्रोडक्ट है सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट है और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस साइकिल की रिएक्शन है ये एंजाइम है और इसका इनहिबिटर मैलोनेट होता है तो मैलोनेट इनहिबिटर है वो सक्सिनेट सबस्ट्रेट की तरह दिखता है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की एक्टिव साइड के लिए कॉम्पिटिशन करता है ठीक है सो दिस इज अबाउट द इनहिबिटर अब आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन की एंजाइम्स को सिक्स क्लासेस में क्लासिफाई किया है फर्स्ट में आता है डीहाइड्रोजिनेजेस या ऑक्सीडो ऑक्सीडोरिडक्टेजिज वो सभी एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराते हैं एक मटेरियल ऑक्सीडाइज है एक सबस्ट्रेट दूसरा रिड्यूज है तो ऑक्सीडाइज वाले को रिड्यूस कर देंगे रिड्यूस वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे जितने भी डीहाइड्रोजिनेज हैं साइकिल वगैरह में पढ़ते हैं वो सब इसी ग्रुप में आएंगे तो पहला है डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो ऑक्सीडोरिडक्टेज दूसरा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के अलावा कुछ और ट्रांसफर करवाएं इन्हें ट्रांसफरेजेस बोलते हैं जैसे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कराएं फॉस्फेड का ट्रांसफर कराएं जितने भी काइनेज हैं वो सब इसमें आ जाएंगे तो पहले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफर दूसरे में अदर देन दीज किसी ग्रुप का ट्रांसफर नाउ थर्ड कैटेगरी जहां वाटर ऐड करने पर बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोलेजेस जब भी हमें डाइजेशन करना है जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं चाहे कार्बोहाइड्रेट तोड़ना है प्रोटीन तोड़ना है फैट तोड़ना है डीएनए एन आर तोड़ना है वो सारे एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस हैं वाटर ऐड करने पर बॉन्ड का ब्रेकेज होना ना फोर्थ जहां पर विदाउट वाटर एडिशन बॉन्ड को तोड़ेंगे इस ग्रुप को लाइज़ेस बोलते हैं जैसे मान लीजिए एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और उनके साथ एक्स और वाई है जैसे आपने वो एक्स वाई वाला बॉन्ड तोड़ा वैलेंसी खाली हुई तो डबल बॉन्ड लग गया तो लाइज़ेस विदाउट वाटर एडिशन बॉन्ड तोड़ते हैं वहां पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है फिफ्थ है आइजो जहां जहाँ पर आइजोमर्स का इंटरकन्वर्जन होगा जैसे याद है ग्लाइकोलाइसिस में हम पढ़ते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट से रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनना वो सब आइजो में आएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीज जहाँ पर दो मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ज्वाइनिंग होगी यानी लाइगेज डी एन ए लाइगेज आर एन ए लाइगेज यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी ये लाइगेजेस हो गए तो पहला रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज सेकंड ट्रांसफरेज थर्ड हाइड्रोलेज फोर्थ लाइज फिफ्थ आइसोमेरेज एंड सिक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाई अब आइए हम एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं देखो कुछ एंजाइम्स तो प्योर प्रोटीन हैं, लेकिन कुछ एंजाइम में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं दोनों को मिलाकर होल टोटल यानी होलो एंजाइम बोलते हैं तो होलो इज इक्वल टू एपो यानी प्रोटीन पार्ट प्लस को फैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट अब को फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस को रिमूव कर दिया प्रोटीन पार्ट से तो कैटेलिटिक एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा काम ही नहीं कर पाएगा एंजाइम को फैक्टर फिर दो तरह का हो सकता है या तो वो कोई मेटल हो सकता है यानी इनऑर्गेनिक तो उसे मेटल एक्टिवेटर कहेंगे जैसे एनसीईआरटी में जिंक का एग्जांपल दिया है जेड एन टू प्लस कार्बोक्सी पेप्टाइड का मेटालिक एक्टिवेटर कोफैक्टर है या ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है ऑर्गेनिक में फिर दो तरीके का हो सकता है अगर टाइटली जुड़ा है परमानेंटली जुड़ा हुआ है जैसे कैटेस पर परऑक्सीडेज जो ओ को तोड़ता है के साथ हीम ग्रुप परमानेंटली जुड़ा रहता है टाइटली जुड़ा रहता है ऑर्गेनिक पार्ट है इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं लेकिन अगर सिर्फ रिएक्शन के टाइम पर अटैच होता है ट्रांजिएंट एसोसिएशन है टेम्प्री एसोसिएशन है लूज एसोसिएशन है प्रोटीन पार्ट वाले एंजाइम के साथ तो इसे को एनजाइम कहते हैं जैसे एनएडी एफ एडी ये सब विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं यानी को फैक्टर कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम और मेटल एक्टिवेटर तो एवरी को फैक्टर इज नॉट अ को एनजाइम बट एवरी को एंजाइम इज अ को फैक्टर ऑफकोर्स अच्छे से समझ में आया चलिए ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स का पॉडकास्ट कंप्लीट होता है वन शॉर्ट वन गो में हमने कंप्लीट एन का एक एक वर्ड एक एक लाइन अंडरस्टैंड कर ली है इसमें स्ट्रक्चर ज़रूर एन से देख लेना ग्लूकोज का राइबोस का दिया हुआ है देन इसमें अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन एलिन सीरीन का दिया हुआ है देन ग्लिसरॉल का दिया है फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड का दिया हुआ है पामिटिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है और कोलेस्ट्रॉल का दिया हुआ है एंड फॉस्फोलिपिड में लेसथिन का दिया हुआ है डायग्राम ज़रूर एक बार चेक कर लेना बाकी आई होप ये अमेजिंग पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगा नीट में मार्क्स क्रैक करने के लिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट लेक्चर में टिल देन ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू थैंक यू